तो हम एक एचआर डेटाबेस पे डिस्कस कर रहे हैं ना। बेसिकली इसकी पहले रिक्वायरमेंट को समझिए। रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले तो एक डेटाबेस तैयार करना है एचआर के लिए, मतलब इंटरव्यू जब भी कोई रिज्यूम आएगा तो डालना है। तो जब भी डेटाबेस डलता है तो एक सीरियल नंबर हम डालते हैं Recording in progress. क्या, उसके बाद नेम होगा, फादर नेम होगा, डीओबी होगा, डेट ऑफ बर्थ, देन एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर, क्या सर, ईमेल, हाँ, और ईमेल, उसके बाद ईमेल आईडी होगा, उसके बाद ये तो पर्सनल डिटेल होगी ना। इसके बाद उसकी क्वालिफिकेशंस होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस होगा कितने साल का है, ठीक है ना, लास्ट कंपनी क्या है, कौन सी थी वो आएगा, डिपार्टमेंट माने प्रोफाइल क्या था लास्ट कंपनी में, उसके बाद अप्लाई किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, प्रोफाइल या पोस्ट जो कहिए, उसके बाद इंटरव्यू किसने लिया है, इंटरव्यू बाय, उसके बाद स्टेटस क्या है, सिलेक्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, डेट भी आएगा ना, डेट आ जाता है, और रिमार्क्स, इंटरव्यूअर ने क्या रिमार्क्स, और चीजें भी हो सकती है, फिलहाल समझिए कि इतना ही है। यस ठीक है, तो सीरियल नंबर, अब कुछ तीन चार डेटा एंट्री कर देता हूँ, पूजा, फादर नेम अमर, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000, एड्रेस न्यू दिल्ली, मोबाइल नंबर 8268280093, ईमेल आईडी pooja@gmail.com, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान लीजिए बीकॉम है, एक्सपीरियंस 3 साल का है, लास्ट कंपनी एबीसी थी, प्रोफाइल मान लीजिए एग्जीक्यूटिव का था, और इसने सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग बाहर लिखिएगा, ठीक है ना। मिस्टर राज के थ्रू इंटरव्यू हुआ था, स्टेटस में सिलेक्टेड है, और डेट हमने डाला इस डेट को सिलेक्टेड है, और यहाँ पे रिमार्क्स दे देते हैं कि गुड इन एमएस, गुड इन एक्सेल, ठीक है। इसी तरह की और भी चीजें हो सकती है, तो यहाँ पे मैं 5 एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है सर। अब पूजा की जगह पे यहाँ पे एक कविता उदय, ठीक है, और उसके बाद नंबर, ईमेल आईडी में यहाँ kavita@gmail.com, और uday@gmail.com, बाकी चीजें भी होगी, फिलहाल हम इसी को कर लेते हैं। तो बेसिकली ये डेटाबेस बनेगा, क्या बनेगा, डेटाबेस। जब भी कोई रिज्यूम, अब इसमें क्या है कि मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है, आप इसको एक रिज्यूम के वजह से एक बेहतरीन कर दीजिएगा। अब प्रॉब्लम है कि ऐसे हो क्या है कि डेली बेसिस में उसको जो है मान लीजिए 100-150 रिज्यूम्स आते हैं, या फिर मान लीजिए 50 या 10 रिज्यूम आते हैं, सबकी एंट्री करती जाएगी। तो एक करने से पहले वो चेक करेगी कि ये एंट्री ऑलरेडी है या नहीं है, बात समझे। तो कैसे चेक करेगा, तो यहाँ पे हम एक और शीट बनाएंगे ट्रैक नाम का, ठीक है। अब ट्रैक में हम यहाँ पे डालते हैं नेम, यहाँ पे ईमेल, मोबाइल नंबर, सॉरी मोबाइल, फिर यहाँ पे डालेंगे ईमेल, ठीक है, और इसको हम जो है सेलेक्ट करके,
ठीक है, ये हो गई। देन यहां हम करेंगे नेम, फादर नेम, ये हो गई। एक लेआउट अच्छा बनाइएगा, समझे सुधीर सुरेश जी, आपने जो भेजा मुझे हाँ ये बच्चों की तरह भेज दिया, खाना पूर्ति के लिए कि यस सर मैंने भेजा है यस क्या। यस देखिए हैबिट में होता है ना कि एक अच्छा चीज बनाना हैबिट में होता यस है, यस तो हमेशा अच्छा ही यस बनेगा। अभी चलो मेरे भेजा कि बॉस ने बोला जल्दी भेजो जल्दी भेजो जल्दी भेजो, तो आप बॉस को भी ऐसे ही भेज दोगे, तो इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है ना जी क्या। यस चलिए अब यहां पे हम एक जनरेट करेंगे की, क्या जनरेट करेंगे की, जनरेट समझे। तो यहां पे हम कंडीशन देंगे कि इफ मोबाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो मोबाइल नंबर शो करें। फिर अगेन इफ अगर ईमेल आईडी इज ग्रेटर देन 0 तो ईमेल आईडी शो करें। फिर अगेन इफ अब तीसरा हो गया, अब तीसरा है मुझे नेम, इफ करना पड़ेगा। इफ की जरूरत नहीं है, तीसरा तो फाइनल कंडीशन है ना हमारा, फादर अच्छा नेम, डेट ऑफ बर्थ लगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर दे दिया 8268 2809 3, एंटर मारते ही आप देखेंगे कि वही नंबर आया। अब इन दोनों के ऊपर जो है फॉर्मेट सेल नंबर कस्टम और एक हैश दे देते हैं, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे ईमेल डाला कि पूजा @gmail.com, ये शोर नहीं करेगा। कब शो करेगा, जब मैं इसको ब्लैंक करूं, समझ गए। क्लियर ओके ये पीपे है ना। है, कोई डाउट इसमें। नहीं अब सेम चीज जो है हम यहां लगाएंगे, यहां भी एक की जनरेट होगा डेटा के अंदर में, समझे सर। और यहां भी देंगे कि इफ और ट्रैक के अंदर कि ट्रैक अगर मोबाइल नंबर ग्रेटर देन 0 है तो डेटा में मोबाइल नंबर को शो करें। देन इफ ट्रैक पे जाएगा कि ईमेल आईडी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रैक के अंदर ईमेल आईडी, तो सॉरी डेटा के अंदर ईमेल आईडी जनरेट करें। अदरवाइज फिर नेम कोलकाता नेम डैश फादर नेम, फिर कोलकाता नेम डैश पीओबी, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके छोड़ दीजिए। लेकिन हमें फ्रीज करना होगा, G2 को फ्रीज कर दिया, H2 को कर दिया, समझे सर। ठीक है चल रहा है नीचे ना। अच्छा B3 को हमने फ्रीज नहीं किया, अच्छा हमने गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, उल्टा कर दिया। हमें B3 को फ्रीज करना था, E3 को फ्रीज करना, और उल्टा फ्रीज कर दिया, ठीक है। ये पे एरर लगाने पे वो नीचे करने जरूरी नहीं है, फैल गया। तो क्या होगा, अब यहां पे लगाइए फॉर्मूला वी लुकअप का, इसको सेलेक्ट कीजिए और डेटा के अंदर जाइए, कॉमा मैच का फॉर्मूला लगा देता हूं ट्रैक के अंदर, इसको लिया क्योंकि तो बार बार सीएल नंबर लिखना पड़ेगा ना सर,
कॉमा जीरो, और यहां हम क्या करेंगे, ए से क्यू को F4 करके फ्रीज करते हैं, और ए हमारा B5 भी फ्रीज होगा, ए इसका 8 फ्रीज होगा, और फिर ए से क्यू भी जो है वो भी फ्रीज होगा, और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर। लेकिन ड्रैग करने से पहले आप इफ एरर लगा दीजिए तो बेटर रहेगा। क्या ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहां पे आप बॉर्डर दे दीजिए, बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे मैं यहां पे नंबर डालूंगा, एंटर प्रेस करते ही ये नंबर का अकॉर्डिंग हो गया, ईमेल डाला ईमेल। अब इसमें पूजा के जगह पे मैं यहां पे कर देता हूं उदय, उदय का आ गया, समझे। अच्छा और इस दोनों को डिलीट कर दूंगा, यहां पे नेम हमने बोला पूजा अमर, और यहां पे क्या हो जाएगा, स्लैश एक 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 2000, 2000 समझे। हाँ सर। और ज्यादा और अच्छा भी आप अच्छा दिखाना है तो इसमें लेआउट में आइए, ये लाइन को रिमूव कर दे, इस तरह का बनाना था सर। ठीक अच्छा बताइए इसमें क्या चीज मैंने यूज किया जो आपको नहीं आता था, बस आप सोच नहीं पाए, वही मेजर वही है सर। इसलिए मैं इस तरह की टास्क आपको देता हूं ताकि आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, क्योंकि तो आप उम्र भी हो गई है ना, आप तो बादाम खाने से कोई फायदा नहीं होगा क्या, समझे। ये फाइल भेज दू, हाँ भेज दीजिए ना सर। तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाइए, ठीक है ना। कि मैंने हाँ ठीक टाइम की कमी में मैंने आपको जैसे शॉर्ट में बता दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताएं बनाए, हाँ सर। ये रिपोर्ट कहां से कर दी मैं, ओ सॉरी।